गोपियां कहती हैं महाराज आप चाहे कुछ भी सोचो और आप चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन सच्चाई यह है गोविंद, अब आपके बिना रहा नहीं जाता और आपका वियोग अब हमसे सहा नहीं जाता। आप कहते हो हम क्यों आई हैं? सच यह है कि जब जब आपकी बांसुरी बजती है तब तब हमारा मन घर में लगता ही नहीं। कृष्ण कहते हैं गोपियों जानती हो पतिव्रता स्त्री किसे कहते हैं? किसे कहते? पतिव्रता स्त्री उसी को कहते हैं जो अपने पति को परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती है, पूजा करती है और अपना सर्वस्व अपने पति को मानकर उसके वचनों का पालन करती है। गोपियां कहती हैं आपने सच कहा, लेकिन एक बात तो बता दो महाराज, सच्चे पति की के झूठे पति की? एक स्त्री किसकी पतिव्रता बने, सच्चे पति की या झूठे पति की? बोली सच्चा पति और झूठा पति कौन है? बोली जो मिट जाए वो झूठा है और जो कभी ना मिटे वो सच्चा है। एक वो पति है जिसको एक दिन मिटना ही है, मिटेगा ही, हाड़ मास का पुतला, उसने मिटना ही है। और एक आप है जो सच्चा है, जो आत्मा का पति है, जो हमारा पति है। आप कृपा करके बताओ सच्चे पति की सेवा करे या झूठे पति की? बोले जब सच्चा पति आ जाए तो झूठे पति की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो गोपियां मुस्कुराकर कहती हैं इसीलिए तो वो झूठे पति को, झूठे संसार को, झूठे रिश्तों को हम लोग ठोकर मारकर अपने सच्चे पति के पास में आ गई हैं, क्योंकि आपसे सच्चा कोई हो नहीं सकता। विश्वास करो या मत करो, लेकिन एक सच्चाई बयां कर देता हूं आपके सामने, दुनिया में तुम्हारे जितने भी रिश्ते हैं वो तुम्हें दुख देते हैं, कभी सुख नहीं देते। कितने भी रिश्ते हैं, शुरुआत में लगता है कि इस रिश्ते के बगैर मेरा जीवन अधूरा है, लेकिन जब वो रिश्ता मिल जाता है, बन जाता है, तो वही रिश्ता लगता है कि काश ये रिश्ता ना होता। रिश्ते सारे दुख देते हैं, बताओ हाँ या ना? सबसे पवित्र रिश्ता है माँ बेटे का, माँ का और संतान का। लेकिन उस माँ से पूछो जब वो गर्भ को धारण करती है तो 9 महीने कितना कष्ट सहती है। डॉक्टर कहते हैं ये नहीं खाना ये खाना, ये नहीं खाना ये खाना, इतने दिन बेड रेस्ट करना है, इतने दिन ये करना है, इतने दिन ये करना है, आया नहीं उससे पहले तकलीफ देना शुरू कर दिया, हाँ या ना? और आकर भी वो सपूत पैदा होगा इस बात की गारंटी नहीं है। आजकल देवियों पे शादी के 1 साल बाद अगर संतान ना हो जाए तो सासू जी परेशान हो जाती हैं। और 2 लड़कियां अगर लगातार हो जाएं तो पूरी फैमिली अपसेट हो जाती है, हाँ या ना? ये मैं हंसने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये समाज की कुरीति के ऊपर बोल रहा हूं मैं। तेरे घर में अगर 2 बेटी हुई है तो इसमें बहू की क्या कमी है? बहू का काम है उस बच्चे को संभालना, बहू का काम है बेटी, बहू का काम है उस बच्चे को गर्भ में भी संभाल के रखे और जन्म हो जाए उसके बाद भी संभाल के रखे। अब परमात्मा तेरे घर में बेटा देना चाहता है कि बेटी, ये उसका काम है, ये बहू का काम नहीं है।
जिस रिश्ते को हम अपना मानते हैं, अपना कहते हैं, वो पति भी नाराज होकर बैठ जाता है। दो दो बेटियां हो गई, ये हाड़ मास का पति है, पुतला है, जब तक इसकी इच्छा पूर्ति होती रहेंगी ये खुश रहेगा, और जिस दिन इसकी इच्छा पूर्ति नहीं होंगी उस दिन ये तुमसे नाराज होने लग जाएगा, छोटी छोटी बात पे फाइट करेगा, आज नमक नहीं डाला, आज मिर्च नहीं डाला, आज भोजन लेट कर दिया, इतनी जल्दी क्या है भोजन करने की, हर बात पे लड़ता है। देवियों बताओ, सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? दिल पे हाथ रख के सही बोलना, झूठ मत बोलना। फिर काय का पति है, मैं जिस पति की बात करता हूं वो पति कभी लड़ता नहीं है, वो पति हमेशा प्यार करता है, अपने पास में आए हुए व्यक्ति को वो कभी निराश नहीं करता, उसे आनंदित करता है, उसे प्रफुल्लित करता है, उसे हर सुख प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि वो प्यार का सागर है, वो दुखों का सागर नहीं, वो मिट्टी का पुतला नहीं है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, हाड़मास से परे उनका सुंदर तन है। तू प्यार का है ना, कैसा है वो, तू प्यार का सागर चाहिए। कन्हैया का प्यार, बैठे बैठे दोनों हाथों से सेवा करते हुए सिर्फ एक कड़ी गुनगुनाइए मस्ती में, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, सागर है और तू प्यार का सागर। यहां तो नफरत कूट कूट के भरी हुई है और तुम्हारे अंदर प्यार कूट कूट के भरा हुआ है, कौन कहे है? जिधर झूम के जाए जिंदगी उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी, जाना मुश्किल आन पड़ी, ओ मुश्किल आन पड़ी, कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे, राह भूले थे कहाँ पे हम, राह भूले थे कहाँ पे, प्यार का सागर है।
हाँ जी, दुनिया में कभी प्यार मिल सकता है तुम्हें? और मिल भी जाए तो लिमिटेड है। माँ भी एक सीमा तक प्यार करती है बच्चे को। ऐसी माँ का नाम बता दो जो 24 घंटे अपनी गोद में बच्चे को बैठा लेकर रख सकती हो। एक माँ का नाम बता दो। और आजकल की माताएं, बाप रे बाप, थोड़ी भी अच्छी तनख्वाह कमाता हो ना पति तो मम्मी आया रख लेती है। कौन रख लेती है? आया मींस, ध्यान रखना, थोड़ा बच्चे का ध्यान रखना। खबर तुम्हें, तुमने बच्चे को नीचे बैठा दिया, क्यों? तेरे हाथ टूट गए, तू ले ले। तूने इसे पैदा किया, तू 24 घंटे गोद में नहीं रख सकती। वो चंद रुपए की खातिर इसे 24 घंटे गोद में रखेगी क्या? और हाथ हैं, दुखेंगे नहीं क्या उसके? तू ज्यादा ही सॉफ्ट है। एक माँ भी, मैं बात माँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं माँ, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूं। इस दुनिया में मैं चंद लोगों से ही प्यार करता हूं। एक अपने कन्हैया की कथा से बहुत प्यार करता हूँ। कन्हैया से प्यार बहुत नहीं करता हूँ, पता नहीं, वो जाने। लेकिन अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं की वजह से मैं यहाँ मौजूद हूँ। मुझे पता चले ना आज माँ उदास है तो मैं भी परेशान सा हो जाता हूँ। माँ में भगवान की झलक दिखती है। ये तो मैं कथा क्रम समझा रहा हूं आपको कि माँ जो सबसे ज्यादा तुम्हें प्रेम करती है, वो भी 24 घंटे नहीं कर सकती, उसकी भी एक लिमिट है। लिमिट से बाहर वो भी परेशान हो जाएगी। लेकिन मेरे परमात्मा के प्यार की कोई लिमिट ही नहीं है। तेरा जब से जन्म हो और जब तक तू मर न जाए, मरने के बाद भी उसके प्यार की धारा कभी रुकती नहीं है। उसका प्यार बदस्तूर बरसता रहता है, हमेशा बरसता रहता है। तू प्यार, अब प्यार एक बात सागर है। कौन है वो सागर है? अब सागर में से तुम कभी सागर को खाली कर सकते हो? निकालो, कितना पानी निकालोगे? जितना निकालोगे तुम थकोगे, सागर नहीं। तो प्यार का सागर मेरा कृष्ण है, और वो उस पे प्यार की कमी नहीं है। उसके पास बहुत प्रेम है, बहुत अनकाउंटेबल। सागर की सीमा हो सकती है, लेकिन मेरे श्याम के प्यार की कोई सीमा नहीं है। अरे कोई सीमा नहीं। इसलिए मेरे कन्हैया से गोपियां कहती हैं, तेरे प्यार की चाह में दीवाने बन गए, तेरे प्यार की चाह में दीवाने बन गए। जो हमें अपना कहते थे उनके लिए आज हम बेगाने बन गए। तेरे ही चक्कर में बेगाने बने, घर छोड़ के चले आए रात में तेरे पीछे। कृष्ण सोचने लगे, इनकी परीक्षा कैसे लूं? कृष्ण ने पूछा, तुम चली जाओ। गोपी बोली, हम मर जाएंगी पर जाएंगी नहीं। कृष्ण बोले, मर जाओगी तो मर जाओ, मेरे का ले होगी अवाल, मर जाओ नहीं, जमुना जी बगल में जाओ, बड़े बड़े निष्ठुर हो, और निष्ठुर क्या बात है, हमारे पीछे पड़ी हो, जाओ। हमारे ब्रज में एक बहुत प्यारा सा भजन गाते हैं, नहीं गुजरिया जाने काते मेरे घर में आए गई, नजर गाड़ के ऐसे देख मेरे लालाए नजर लगाए गई, मेरे छोना है देख पजर गई जर गई, कोई ग्वालिन मस्ताने मेरे छोरा पेटोना कर गई कोई ग्वालिन मस्ताने, मेरे छोरा पेटोना कर गई कोई ग्वालिन मस्ताने। जादू डारो,
मेरे छोरा पनी हत मेरे छोरा पनी हत धर गई कोई बारी नमस्ताने मेरे छोरा पनी हत धर गई कोई बारी नमस्ताने ओ कोई वाली नमस्ताने कोई वाली दीवानी ओ कोई वाली नमस्ताने कोई वाली दीवानी मेरे छोरा बेटोना जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। मेरे लाला पे टोना कर गई, ब्रज की भाषा, ब्रज के रसिया है, ब्रज का आनंद है। आज मैं इतने भजन कानपुर में ही गा रहा हूं, वैसे आजकल कथाओं में मैंने भजन कम कर दिए, पर करूं क्या, यहां तो मुझे लगता है जैसे ब्रज में बैठे तो खूब चकाचक गाओ, कौन प्या पड़क पड़ने वाला, इसलिए भी ज्यादा वजन कर रहा हूं। ये लग रहा है एकदम जैसे ब्रज में बैठे रस ग्रहण करने वाले लोग बैठे। कन्हैया कह रहे मर जाओ मरो तो, पर यहां तो चली जाओ, मेरे जिम्मे मत परो। बोले कन्हैया अब तो तुम्हारी जिम्मे पर गई, अब जो मैं सोचियो कि अब तुम्हारी जिम्मे ना परेंगी, अब चाहे कछु है जाए अब तो तुम्हारी जिम्मे, मरेंगी तुम्हारा नाम लेके, अंतमति सुगति अगले जन्म में मिलना पड़े हो। आजकल के प्रेमी तो लव लेटर लिख के चले जाते, सुसाइड लेटर, कि मैं इसकी वजह से मर रहा हूं, वो भी खुद तो मर गया, उसे जीते जी मार गया। गोपी कह रही है हम मरेंगी तुम्हारा नाम लेके, लेटर लिख के नहीं, अंतिम समय जब मरेंगी तुम्हारा नाम लेंगी, और जब मरेंगी तो तुम्हें अगले जन्म में मिलना पड़ेगा, वहां नहीं मिले तो फिर अगले जन्म में मरेंगे तुम्हारा ही नाम लेके, जब तक मिल नहीं जाओगे तुम्हारो पीछे नहीं छोड़ेंगे चाहे कछु आ जाए। कृष्ण कहते हैं अरे इतने जन्मन की बात क्यों कर रही हो, चलो जय जन्म में मिल ले। और कृष्ण ने गोपियों के प्रेम को स्वीकार किया, अद्भुत प्रेम है। आज जन्म जन्म की वियोग से तड़पती हुई आत्माएं भक्त वो कृष्ण से मिलने के लिए तत्पर तैयार हो रही हैं। कृष्ण जब रास करने लगे तो उस रास में, यहां बहुत अच्छी बात है ध्यान से सुने, गोपियों को अभिमान हो गया, भगवान को सब कुछ प्रिय है लेकिन अभिमान प्रिय नहीं है। जब आप अभिमान करते हो तो भगवान आपका परित्याग कर देते हैं। अभिमान किसी भी बात का हो, चाहे बल का अभिमान हो, चाहे वो धन का अभिमान हो, चाहे वो स्वरूप का अभिमान हो, चाहे वो ज्ञान का अभिमान हो, इवन चाहे तुम्हारे भजन का ही अभिमान क्यों ना हो, जो अभिमान आप करोगे भगवान आपको त्याग देंगे, उसी समय छोड़ देंगे। इसलिए अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण चले गए, और जब कृष्ण चले गए तो गोपियों ने कृष्ण के विरह में करुण रुंदन करना प्रारंभ किया। गोपी कौन जो कृष्ण के बिना रह ना सके, गोपी कौन जो अपने नयनों से श्याम को देखे बगैर न रहे, श्रवणों से कृष्ण का नाम सुने बगैर न रहे, अपनी जिभ्या से कृष्ण का गीत गाए बगैर न रहे। सूरत नाथ ते असुर कदा सिंह
का बरदरे न तो ने विष जला गति विदा